लव इज़ अ सीरियस मेंटल डिजीज़, फेमस फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था। इस कोट के अलावा इस वीडियो की कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन ही नहीं हो सकती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्यार को एक मामूली इमोशन समझते हैं तो आप नहायत ही बेवकूफ़ हैं। तो आखिर प्यार है क्या? तो देखिए, प्यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। एक्चुअल में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में न्यूरोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। इन हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, आखिर उनका हमारी बॉडी पर या फिर दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अब प्यार के इफेक्ट जानने से पहले प्यार के बारे में जान लेते हैं। जनरली लव के चार फॉर्म्स होते हैं, ग्रीक कल्चर या फिर माइथोलॉजी के अनुसार एगिप, इरोस, फिलिया और स्टॉर्च। जो प्यार आपके माता पिता आपसे करते हैं या फिर पेरेंट्स आपसे करते हैं वो स्टॉर्च के अंदर आता है। फिलिया एक वर्चुअस काइंड ऑफ लव होता है। असल में अरिस्टोटल ने इसकी रचना की थी। फिलिया मतलब एक ऐसा प्यार जिससे दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है। जो प्यार आप अपने दोस्तों से करते हैं या फिर कम्युनिटी से करते हैं वो इसी के अंडर आता है। एगिप, अब शायद मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एगिप एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव है जिसमें आप आत्मा से प्यार करते हैं। और लास्ट इरोस। अब इरोस जो है एक पैशनेट फॉर्म है लव का। इरोस इस फॉर्म में इंसान दूसरे इंसान के शरीर पर प्यार करता है। यकीनन इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअली तो नहीं है, इसका मतलब है पहले आप उस इंसान से प्यार करते हैं और वक्त के साथ आप उसके शरीर को अप्रिशिएट करते हैं या फिर उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। अब प्यार एक मल्टीफैक्टेड इमोशन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। करीबी, आप अपने पार्टनर से हमेशा करीब रहना चाहेंगे। पैशन, आपका पार्टनर आपके प्यार के लिए पैशनेट होना जरूरी है। और लास्ट में कमिटमेंट, आपको अपनी रिलेशन पर विश्वास होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ लव। तो आखिर ऐसी क्या चीजें होती हैं आपकी बॉडी में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं? तो शुरुआत करते हैं डोपामिन से। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में डोपामिन की लेवल बढ़ जाती है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी खुशी से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा डोपामिन होगा उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। दूसरी चीज ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन है, हालांकि इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब यह हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर पाता है या फिर दूसरों के प्रति संवेदना एम्पथी महसूस करने लगता है। बॉन्डिंग अटैचमेंट जैसी भावनाएं ऑक्सीटोसिन से ही रिलेटेड होती है। इसीलिए जब कोई कहेगा कि प्यार अंधा होता है तो असल में प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ रही होती है जिसकी वजह से आप किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को नकारते हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन में ड्यूरिंग द फेज ऑफ लव, वेंट्रल ट्रिगमेंटल एरिया, जो कि रिवॉर्ड और मोटिवेशन से रिलेटेड है। वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। इसका मतलब आप हमेशा मोटिवेटेड होते हैं और चीज़ें बहुत सारी डुएबल हो जाती हैं। इसका मतलब आप उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरा एक पार्ट इंसुला, ये भी बहुत एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से इंसान अच्छे से इमोशन को प्रोसेस कर पाता है और एम्पथी महसूस करता है। और बेसिक स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं उनकी भी लेवल कम हो जाती है। तो आप सोचेंगे कि यार इसमें गलत क्या है, सारी तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, फिर डार्क साइड है कहाँ? अब जरा गौर कीजिए, सोचिए कि आप एक इंसान से प्यार कर रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारी डोपामिन की लेवल बढ़ रही है, आप हमेशा खुश रह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की मात्राएं भी बढ़ रही हैं, आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं, उस इंसान की तरफ अटैच्ड फील होते हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको आपका खोया हुआ पीस मिल चुका है, एक ऐसा इंसान जिससे आप खुलकर बात कर पाए, जिससे आप अपने सुख दुख बांट पाए। और एक वक्त ऐसा आता है जब उस इंसान की आपको आदत पड़ जाती है और ज्यादातर केसेस में फिर पार्टनर्स पॉजेसिव होने लगते हैं अपनी प्यार की तरफ। जब आप रिश्तों को जोर से पकड़ते हैं तो वो मजबूत नहीं होते, बल्कि दबाव के कारण टूटने लगते हैं। बैक टू द टॉपिक, अब आपको उस इंसान की बहुत ही गंदी आदत लग चुकी है, आप उस इंसान के बगैर और कुछ सोच नहीं पा रहे, और अब सोचिए किसी कारण से आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं। यकीन मानिए आपकी बॉडी के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर चीजें इतनी जल्दी बदलनी शुरू हो जाएंगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके स्ट्रेस लेवल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, डोपामिन की लेवल कम हो जाएगी। जो डोपामिन आपको खुश रखता था वही डोपामिन अब आपकी बॉडी आपको दे नहीं पाएगी, और इस वजह से आप दुखी या फिर सैडनेस जैसी भावनाओं से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो लगाव आपको उस इंसान से लगा हुआ है वही आपको अब तकलीफ देना शुरू कर देगा।
और इसकी वजह से आपका शरीर कुछ इमोशंस ट्रिगर करेगा, जैसे कि सैडनेस, एंगर, गिल्ट, लोनलीनेस, एंजाइटी। आपको ऐसा लगेगा मानो सारी चीज आपकी गलती है। जो प्यार आपकी खुशी की सबसे बड़ी वजह था, वही प्यार अब आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया, हालांकि आपने कुछ न खो दिया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी आइडेंटिटी या फिर कैरेक्टर। जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में आता है तो वो रिलेशन उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो जब इंसान अपने रिलेशन को खो देता है तो लगभग वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। अगर उसका प्यार उसकी सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होगा तो इसके परिणाम ज्यादा होंगे। फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि वो किसी चीज को डिजर्व ही नहीं करता, और चांसेस बनते हैं कि इसी फेज में आपको बैड हैबिट्स भी लग जाए, मानो ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग जैसे। हमारे बॉलीवुड कल्चर ने तो हमें यही सिखाया है कि जब आपका दिल टूटता है तो आप शराब को छूते हैं। इसका एक दूसरा ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है कि आप सारी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दो। असल में जो साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इफेक्ट्स होंगे, उनका जो इम्पैक्ट होगा वो असल में इस पर डिपेंड करेगा कि आप उस इंसान को कितना चाहते हैं। उस इंसान को ज़्यादा चाहते होंगे तो वो इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और जब एक इंसान ऐसी चीज़ से गुजरता है तो उसके दिमाग का इंसुला जो पार्ट होता है वो अब उतना एक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से वो आमतौर पर किसी और के प्रति इतनी आसानी से इमोशंस महसूस नहीं कर पाता। ये सारी चीजें आपको एक चीज का एक्सपीरियंस बखूबी करवाएंगी, तकलीफ। और जानते हैं तकलीफ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होता है? प्यार। यही तो दिक्कत है, एक टूटा हुआ इंसान तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कोई उसे प्यार से ना जुड़े। और प्यार से मतलब, मैं अब इरोस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिलिया या फिर स्टॉर्ज की। आप अपने फैमिली से या फिर दोस्तों से बात कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को समझिए। गलतियां होना लाजमी है, आप इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी को आप किसी भी पॉइंट से वापस खड़ा कर सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं। शायद टूटना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन बिखरना है या नहीं ये ज़रूर आपके हाथ में। तो हर बार की तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ पर, प्यार को समझने के लिए आपको प्यार करना ज़रूरी है। हालांकि ये वीडियो अब तक नेगेटिव ही है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्यार हर बार बुरा होता है। प्यार मानो एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसकी एक बाजू आपके लिए काम करती है तो एक आपके खिलाफ। एक घाव देने की क्षमता रखती है तो एक घाव भरने की। और एक चीज तो है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें प्यार ना हो।